नमस्ते गाइज कैसे हैं आप आज बनाने जा रहे हैं ठंडा ठंडा ऐसा पेय पदार्थ जो गर्मियों के मौसम में दिल को खुश कर दे और हेल्दी भी हो जी हाँ ये है बादाम मिल्क शेक जिसे हम घर पर आसानी से बना सकते हैं और बाजार के जैसा ही बनेगा बिल्कुल सेम उसी तरीके से और लेकिन उससे ज़्यादा टेस्टी होगा और उससे ज़्यादा हेल्दी होगा हाइजीनिक होगा तो इसी को बनाना शुरू करते हैं तो इससे पहले कि हम मिल्क शेक बनाना शुरू करें आपसे रिक्वेस्ट है कि अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो कीजिए चलिए तो बनाना शुरू करते हैं बादाम शेक बादाम मिल्स मिल्क शेक को बनाने के लिए ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है और इसे घर पे आसानी से हम बना सकते हैं तो इसके लिए ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है बादाम ये देखिए बादाम लिए हैं मैंने पंद्रह सोलह इसको रात भर भिगो इसके छिलके उतार लेने हैं और अगर ज़्यादा जल्दी है तो आप गर्म पानी में डालकर आधा घंटे के लिए रख दीजिए ये देखिए मैंने रात भर पानी में भिगोया था और इसके छिलके उतार लिए हैं ये पंद्रह सोलह बादाम हैं आप अपने घर के सदस्यों के अनुसार कम और बत्ती कर सकते हैं तो मैंने ये पंद्रह सोलह बादाम लिए हैं जिनको अच्छी तरीके से धोकर छिलके उतार लिए हैं और अब इसी को बादाम मिल्क सेको बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए मैंने लिया है एक लीटर फुल फैट दूध लिया है तो ये कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि नीचे दूध हमारा चिपके नहीं तो इसे तो सारी तरफ फैला देते हैं आराम से और अब इसमें डाल देंगे दूध दूध मैंने ये फुल फैट लिया है आप चाहे तो बिना फैट का भी ले सकते हैं अब इसे एक उबाल आने तक गैस की फ्लेम को तेज रखना है और फिर इसे मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे पकाना है दूध को इतना पकाना है कि जो हमारा दूध है ये अस्सी परसेंट बच जाए ट्वेंटी परसेंट जल जाए इतना करना है तो इसे लगातार चलाते हुए रहना है ताकि ये नीचे न लगे और थोड़ा सा वो गर्म होने के बाद मैं क्या करूँगी कि थोड़े से दूध को करीबन डेढ़ चम्मच दूध में निकाल लूँगी इस दूध से हम बाद में मिक्सर में बादाम को पीसेंगे तो मैंने ये डेढ़ चम्मच दूध निकाल लिया है और थोड़ा सा दूध आध आधा चम्मच और निकाल लूंगी ये हम कुछ काम करना है इसको साइड में निकाल के रख देंगे तो मैं थोड़ा सा दूध और निकाल के और एक कटोरी में रख दूंगी अब इसको तो इसको रख कर फिर हम दूध को लगातार चलाएंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है इसको धीरे धीरे पकने देना है और जो धीरे धीरे पकने के बाद जो गाढ़ा होगा ना दूध ये इतना टेस्टी होगा कि आप रोज़ ही इसी तरीके से बना कर पियेंगे और साइड में जो दूध की मलाई लगी हुई है उसको उतारते जाए इससे क्या होगा कि हमारा दूध भी गाढ़ा हो जाएगा और उसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा तो इसे लगातार चलाते हुए रहना है दूध में हमारे अच्छा उबाल आ गया है इसको तब तक पकाना है जब तक कि ये परसेंट ना रह जाए तो इसे धीरे धीरे चलाते हुए रहना है ये भी ध्यान रखना है कि नीचे दूध हमारा लगना नहीं चाहिए तो इसे बीच बीच में चलाते हुए रहना है और जब हमारा दूध अस्सी परसेंट बच जाए तो तब क्या करना है कि हमें जो कटोरी में हमने थोड़ा सा दूध निकाल के रखा था उसमें एक चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल दे दें और उसे अच्छी तरीके से मिलाना है तो इसे में लम्स ना रहे लगातार इसके अच्छे तरीके से मिलाकर रख लेना है और कस्टर्ड पाउडर आप चाहें तो ज़्यादा मिला सकते हैं और चाहें तो कम मिला सकते हैं लेकिन हमें ये बादाम मिल्क शेक बनाना है कस्टर्ड मिल्क शेक नहीं बनाना है तो इसमें थोड़ा ही डालूंगी मैं आप चाहें तो आप अपने टेस्ट के अनुसार ज़्यादा भी डाल सकते हैं इससे क्या होगा कि हमारे दूध में थिकनेस आ जाएगी और फिर इसको मिलाकर इसको लगातार मिलाना है नहीं तो ये नीचे चिपक जाता है तो अब क्या करेंगे कि जो बादाम का बादाम के लिए दूध रखा था उसमें बादाम डालकर वो भी मिक्सर में पीस लेंगे तो थोड़ा दर दराई रखना है ज़्यादा मोटा नहीं रखना है बादाम का पता चलता रहना चाहिए कि हाँ हम बादाम का दूध पी रहे हैं तो उसको पीस लिया है और दूध हमारा अस्सी परसेंट बचा है बीस परसेंट जल गया है तो अब इसमें जो बाद पीसे थे वो डाल देंगे और फिर लगातार चलाते हुए रहना है तो मिक्सी में मैंने पीस लिया है और अब इसे डाल देंगे तो इससे हमारा दूध और गाढ़ा हो जाएगा और इससे टेस्ट तो कई कई गुना बढ़ ही जाएगा बादाम मिल्क से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है आप एक बार इस तरीके से बनाकर देखिए और अब डाल देंगे जो कस्टर्ड पाउडर मिलाकर दूध में रखा था उसे डाल देंगे तो उसे लगातार नहीं डालना है उसे थोड़ा थोड़ा करके डालते रहना है और लगातार चलाते हुए रहना है नहीं तो ये नीचे पेंदे में जाकर चिपक जाएगा तो थोड़ा सा डालते हुए लगातार चलाते हुए रहना है ये देखिए कस्टर्ड पाउडर डालने से हमारे दूध में भी कलर आ गया है और इससे टेस्ट भी बढ़ेगा और साथ में हमारे दूध गाढ़ा भी हो जाएगा और अगर आप ज़्यादा गाढ़ा करना चाहते हैं रबड़ी जैसे करना चाहते हैं तो आप दो तीन चम्मच और मिला के कस्टर्ड पाउडर को फिर मिला सकते हैं लेकिन हम बादाम मिल्क शेक बना रहे हैं कस्टर्ड नहीं बना रहे हैं तो हमें कम ही डालना है आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं तो अब मेरा दूध बिल्कुल तैयार हो गया है इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स में मिला दूँगी और इसे थोड़ी देर के लिए और पकाऊंगी और अब क्या करेंगे कि मैंने इसमें चीनी नहीं डाली तो अब पाँच छः चम्मच मैं इसमें चीनी डाल दूंगी और फिर धीरे धीरे उसको भी पिघलने दूंगी तो इसमें मैंने पाँच छः चम्मच लिए चीनी के अब इसे लगातार जब तक ये पिघल नहीं जाती तो लगातार चलाते हुए रहना है और फिर हमारा बिल्कुल बादाम मिल्क सेक बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है इसे हम निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में क्योंकि ये कढ़ाई है जो गर्म है तो दूध को ठंडा करने के लिए दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा ठंडा करेंगे और फिर इसे दो तीन घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे इससे क्या होगा कि दूध हमारा बिल्कुल चिल्ड हो जाएगा और साथ में गाढ़ा भी हो जाएगा जो टेस्ट में कई गुना बढ़ गया है ये देखिए कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है यह अच्छा गाढ़ा भी हो गया है और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको रबड़ी जैसा बनाना है तो आप इसमें कस्टर्ड पाउडर और, और मिला सकते हैं तो ये देखिए हमारा मिल्क शेक बिल्कुल तैयार है और अगर आपको मेरे ये मिल्क शेक की रेसिपी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और अपना फीडबैक देते रहिए और आप भी इस तरीके से बादाम मिल्क शेक बनाइए और अगर आप इस तरीके से एक बार बनाएंगे तो वो बार बार बनाएंगे हाँ मैंने इसमें इलायची पाउडर नहीं डाला है क्योंकि हमारे बच्चे इलायची का दूध नहीं पीते हैं आप चाहें तो अपने दूध में डाल सकते हैं और केसर के तार हो तो वो भी डाल सकते हैं वो मेरे पास थे नहीं इसलिए मैंने नहीं डाले हैं तो हमारा बादाम मिल्क शेक बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है आपको ये रेसिपी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर जरूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक देते रहिएगा और फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद